नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी की धूम। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। यहां पर लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंच चुके हैं और हर तरफ सिर्फ जय श्री राम की जय घोष से गूंज रहा है। सबके चेहरे पर राम जन्मोत्सव की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा का उल्लास झलक रहा है। मंदिरों में गीत संगीत उत्सव का चरम परिभाषित कर रहे हैं। बता दे कि रामलला अगले साल भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में यह आखिरी जन्मोत्सव है जब प्रभु राम अस्थाई मंदिर में विराजमान हैं। अगले साल की रामनवमी में प्रभु रामलला भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मिलेंगे। राम जन्मोत्सव पर रामलला के दरबार को फूलों से सजाया गया है। जन्मोत्सव पर आज रामलला रत्नजड़ित पीले वस्त्र में भक्तों को दर्शन देंगे। राम सहित चारों भाइयों को सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। सुबह रामलला का पंचामृत व इत्र से अभिषेक होगा। दोपहर ठीक 12 बजे जन्मोत्सव की आरती होगी। रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। संगीतज्ञों द्वारा बधाई गान की स्तुति की जाएगी। जन्मोत्सव की आरती में लगभग 200 भक्त शामिल हो सकेंगे। इस बार राम जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण ANI व दूरदर्शन द्वारा रामलला के दरबार व कनक भवन से पूर्वाह 11 बजे से किया जाएगा। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण की खास रणनीति बनाई है। भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को रामनगरी की सीमा के 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। साथ ही हनुमानगढ़ी पर भीड़ बढ़ने पर आगे के मंदिरों कनक भवन और रामलला को सूचना देकर भक्तों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ ही RAF भी तैनात की गई है। शहर के अंदर PAC लगाई गई है। वही DIG व SSP मुनिराज के निर्देशन में अयोध्या पुलिस द्वारा चैत्र रामनवमी मेला व दर्शन पूजन के दृष्टिगत शांति सुरक्षा व यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए थाना कोतवाली अयोध्या थाना अंतर्गत रूट मार्च किया गया। अयोध्या पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। आइए जानते हैं मुनिराज DIG व SSP ने क्या कहा। अयोध्या संवाददाता विसीमिल्हा खान की रिपोर्ट। रामनवमी के लेके कई श्रद्धालु आ सकते हैं, उसके लिए हमने पूरा अयोध्या धाम क्षेत्र का हमने 7 जोन से बांटा है। हर जोन का प्रभारी ICS पेरोल ऑफिसर का लगा है। उसके साथ नीचे कई सेक्टर से हमने डिवाइड किया। हर जोन का सेक्टर प्रभारी DSP लेवल ऑफिसर और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर से लगा है। उसके साथ साथ पार्किंग के लिए व्यवस्था भी बनाए, 7 जगह में पार्किंग की व्यवस्था कराया। पूरा हम लोग इसका विस्तार से प्रचार भी किया, कहाँ कहाँ पार्किंग है। इसके अलावा हमारा पूरा क्षेत्र में PAC और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगी है और प्रयाग पोस्ट बल हमने लगा हो जो श्रद्धांजलि को सुविधा के लिए है। हम लोग उसका लगातार वहाँ जो कितना भी करोड़ आएगा उसका अच्छी तरीके उनका सुरक्षित उनका दर्शन करवाएंगे और साथ साथ हमारा ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं और नो पार्किंग और नो एंट्री वगैरह भी लागू किया है। खासतौर से हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक जरूर अनुसार तो हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक डाइवर्शन भी हम कराएंगे। वर्तमान में अभी तक सही तरीके चल रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस और प्रशासन मिलकर पूरा सुविधा दिया है। अच्छी तरीके श्रद्धालुओं को दर्शन करवाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा किसी प्रकार से भी ट्राली पे जो है यात्रा नहीं करेंगे यात्री, तो ट्राली को लेकर आपने क्या निर्देश जारी किया है? अगर ट्राली हमारा लोकल से तो कोई हाथ ही नहीं, फिर भी हम लोग को मैक्सिमम अभी तक कोई ट्राली पे आया ना, हम कंसर्न पड़ोसी जनपद सभी जगह से सबका अपील किया है कोई आदमी ट्राली से श्रद्धालु नहीं आएंगे और लोकल का भी कोई नहीं आएंगे। उसके लिए हम लोग एडवाइजरी जारी किया है और लोकल पुलिस के माध्यम से उनको जागरूकता भी किया है।